वहीं दुर्ग जिले में फिर से एक बार गरीबों को बांटे जाने वाले पीडीएस चावल की हेराफेरी का मामला सामने आया। पुलिस ने महाराष्ट्र जा रहे ट्रक में भरे 250 क्विंटल चावल जब्त कर खाद्य विभाग के सहयोग से जांच के साथ ही कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस जल्द ही इस कार्रवाई से पीडीएस चावल हेराफेरी के अंतर्राज्य गिरोह का खुलासा करेगी। दुर्ग सीएसपी विवेक शुक्ला ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चक्का ट्रक है जो एमएस पासिंग है वो चावल लेकर जा रहा है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर जेवरा सरसा चौकी द्वारा तत्काल उस ट्रक को रोका गया, नाकाबंदी लगाई गई थी। रोक कर जब उसे कागज मांगा गया तो उसमें कोई कागज उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस आधार पर वो ट्रक की जब्ती की कार्रवाई की गई है और आगे की जांच जारी है। फूड ऑफिसर लोग को भी इसकी सूचना दी गई थी, वो भी अभी हमारे चौकी आ चुके हैं और इसमें आगे जांच की जा रही है।